वाली हूँ। मैं आज नई रेसिपी के साथ आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आज बना रही कुछ मीठा मीठे में बना रही मैं केले का हलवा। और केले का हलवा आपने न्यू यूनिक है, आपने मिल्क से बनाना सीखा है, अगर केले के पोहे खाए और ये केले के गुलगुले खाए, पर मैं आज केले का हलवा बना तो चलती हूँ किचन में। बने रहे मेरे वीडियो में, आप पूरे वीडियो देखते। आधा दर्जन केला और ये एक कटोरी घी, ये एक कप गुड़ है और ये थोड़ा सा किशमिश है, थोड़ा बादाम मैंने स्लाइस में कट कर लिया, थोड़ा चार पांच काजू है, थोड़ा सा चार पांच पिस्ता है। और अब इसके बाद मैं केला छिलूंगी और केले को मिक्सी जार में ग्राइंडर करूंगी। और उसके पहले मैं गुड़ को डालूंगी, गुड़ के बाद केला डालूंगी। केला और गुड़ को मैंने एक साथ मिक्स कर दिया और ये केले को मैं निकाल के फेंक दूंगी। काला है ये तो इसको फेंक दूंगी, इस फ्रेश से इसको तोड़ के डालूंगी। और मैं घी डालूंगी पहले फर्स्ट, और ये घी अच्छे से पिघलने दूंगी। पहले ही मैंने कढ़ाई ऑलरेडी रख दी और इसमें जाएंगे ये पूरे ड्राई फ्रूट्स। और इनको मैं ये काजू थोड़ा सा वो जिससे मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इनको थोड़ा सा ड्राई करूँगी। ड्राई करने के बाद यार इनको अच्छे से लो फ्लेम पर ब्राउन नहीं हुए तो मैंने तैयार कर दिया है ये गुड़ और उसका पेस्ट है केले का। अब गुड़ डालते जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता तब तक मैं इसको पकाऊंगी। और इसे मैंने कुछ भी नहीं डाला, सूजी बेसन ये दाल कुछ भी नहीं डाला, खाली केला और गुड़ इसमें डालूंगी। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट वो कर रखे थे, रोस्ट कर रखे थे तो उसी में डाल रखा मैंने। तो इसको मैं धीमी आँच पर पकाऊँगी कम से कम जब तक ये नज़दीक नहीं आ। मैं इसको तब तक चलाऊंगी रहूंगी जब तक ये एक साथ नहीं होगा, तब तक मैं इसको चलाती रहूंगी। इसमें ऑलरेडी घी मैंने 2 चम्मच डाल रखा है, ये अभी यहाँ पे रखा है भी नहीं डाले, इसमें ज़रूरत पड़ेगी घी की। ये घी कितना डालूंगी वो बताऊंगी मैं आपके साथ। और इससे मैंने वो ड्राई फ्रूट्स इसी में रखे, मैंने निकाले थोड़ा सा अलग से निकाले, मैंने गणेश के लिए निकाले और इसी में रखे मैंने। और अभी मैं इसको चलाती रहूँगी, धीमी आँच रखी मैंने तब तक चलाती रहूँगी। तो ही नज़दीक आने बैठ गया और इसमें झाग भी होने बैठ गया। झाग इसलिए हो रहा है कि केला है गुड़ जब पकता है तो इसमें झाग होता है, तो इसलिए इसमें झाग हो रहा है। और ये देखो नज़दीक आ गया रबड़ के जैसे होने बैठ गया। मैं इसको और पकाऊंगी 10-15 मिनट और पकाऊंगी जब तक ये अच्छे से ना बनता, तब पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो गया इसमें। अब ये देख सकते हैं घी पूरा निकल गया, ये घी हम अलग कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इसको मैं प्लेट में डालूंगी और प्लेट में ये देख सकते हैं मैंने इसमें ऐसे फ्लैट बना दिया। अब इसमें जाएंगे ये ड्राई फ्रूट, पिस्ता, थोड़ा ठंडा होने के लिए रखूंगी और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। ये देख सकते हैं मेरे आधा कटोरी घी बच गई वैसे ही। अब जो इसमें से बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया, देख सकते हैं आप। और ये बन के तैयार हो गया। ये देखिए आप कितना अच्छा बन रखा है, ये गांव का हलवा जैसा बन रखा है, जैसे गांव में बनाते ना हलवा वैसा बन रखा है। तुम तो आए थे का अपने घर में, केले तो डेली खाते बच्चे लोग घर में डेली लाते हैं, और गुड़ भी घर में रहता है, घी भी रहता है और बना सकते हैं। और जो इसमें झाग बना था वो अपने आप देख सकते हैं आप, अपने आप ख़त्म हो गया ठंडा होने के बाद, क्योंकि ये पक गया था अच्छे से। ये देखो कितना अच्छा तार जैसा बन रखा है। आई होप मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।